Good afternoon, everyone. Today we are here for the workshop of Office 365 Productivity, which is composed of 5 sessions. Let's start with the first session, get started with Office 365. First of all, आपके पास जो Office 365 जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको एक टेनेंट अकाउंट चाहिए. क्या चाहिए? टेनेंट अकाउंट चाहिए. टेनेंट अकाउंट क्यों चाहिए होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या होती हैं, आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन क्यूरीज भी मेरे पास आई हैं जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ऑफिस 365 क्या है, क्या ये ऑफिस है, एमएस ऑफिस है या कोई ऑनलाइन सर्विस है, ये मुख्तलिफ किस्म की क्या सवाल आते रहे. जैसे कि किसी ने हमसे बोला कि आप ये बताइए कि वन ड्राइव क्या है, क्या वन ड्राइव ऑफिस 365 के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसका पार्ट है, क्या उसके बगैर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह के बहुत सारे सवाल आज हमारे पास आए थे, तो हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाई ऑफिस 365 प्रोडक्टिविटी की, जो कि जो भी यहाँ के बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी एजुकेटर हो उसको ऑफिस 365 को इस्तेमाल करना आ जाए. ना कि सिर्फ इस्तेमाल करना है बल्कि उसको अपने पास उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके. तो आज की जो वर्कशॉप है उसका जो पहला पार्ट है गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस 65. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑफिस 65 के पोर्टल पर जाते हैं. तो जब आप ऑफिस 65 पे पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, आपके लिए सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप वेबसाइट पे लॉगिन होंगे जिसका नाम है www.portal.office.com. portal.office.com पे आपके जाने के बाद आप अपने टेनेंट अकाउंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 65 का जो अकाउंट है वो आप एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद आपको जो पासवर्ड आपने बनाया या सप्लाई करा गया है आप वो एंटर करेंगे. जब आप फर्स्ट टाइम में लॉगिन होंगे portal.office.com पे जाके, तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ रहा है. ठीक है, डैशबोर्ड क्या है कि यहाँ पे आपके पास चीज़ें आ रही हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं ये वो आइकन्स है जो मोस्ट कॉमनली मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ. जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने आउटलुक पे काम करा है नज़र आ रहा है. इसके अलावा जिन जिन एप्स पे मैंने काम करा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. इसके अलावा ऑफिस 65 के अंदर आप देखिएगा डॉक्यूमेंट भी नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जिन पर रिसेंटली मैंने काम करा हुआ है. जब फर्स्ट टाइम पे आते हैं तो आपको ये स्क्रीन पता होना चाहिए क्या है. यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्शंस आ रहे हैं हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास ऑफिस 65 जो है ना एप्लीकेशन लॉन्चर आ रहा है. जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस 65 के मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स आ रहे हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना है. इसके अलावा आपको सिक्योरिटी के भी ऑप्शन हैं, कुछ एडमिन के सेंटर्स के ऑप्शन हैं. अगर मैं ऑल ऐप्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये पूरी लिस्ट आ रही है ऑफिस 65 की ऐप्स की. जिस तरह मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं ऐप्स होते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, जो ऐप आपको चाहिए होता है वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऐप हैं, हर ऐप्स का कोई ना कोई फ़ायदा है. अच्छा, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन ड्राइव है, लेकिन कुछ ऐप्स जो हैं वो सेटिंग्स के हवाले से जैसे एडमिन सेंटर है. ये सारा काम जितना भी हम यूज़र्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, सिक्योरिटी वगैरह के ऑप्शंस वगैरह वो सब यहाँ से होंगे. तो अब इसके अलावा अगर हम आप यहाँ पे जाएं तो हम सर्च भी कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे. और अगर अब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ हमारे पास प्रोफाइल आ रही है. प्रोफाइल के बाद हमारे पास यहाँ पर सेटिंग का बटन आ रहा है. इस सेटिंग के बटन में जाएँ तो हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये थीम आ रही है. देखें आप, यू कैन चूज़ योर ओन थीम, आप जो भी थीम चाह रहे हैं वो आप थीम पे क्लिक कर लें. उसके अलावा लैंग्वेज को चेंज करना, नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, पासवर्ड चेंज करना, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे एनी टाइम आप कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब बात सवाल ये आ रहा है कि जो ऑफिस 65 है ना बेसिकली वो क्या है. ऑफिस 65 के बारे में मैं ना एक लाइन बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, वर्क फ्रॉम एनी वे फ्रॉम एनी डिवाइस. क्या वर्क फ्रॉम एनी वे फ्रॉम एनी डिवाइस, मतलब क्या हुआ कि आपने ऑफिस 65 के ऊपर, मैंने यहाँ पे काम करा, इस वक्त मैं कराची में काम कर रहा हूँ और कराची के एरिया बफर ज़ोन में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल लोग मुख्तलिफ रीजन में हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन बी इन लंदन, दे कैन बी इन लाहौर, किसी भी जगह पर वो हो सकते हैं. तो मैं उनको राइट दे दूँगा वो पे काम करें. अब जिसको मैंने परमिशन दी है
वो भले मोबाइल पे खोलना चाहे, वो टैबलेट पे खोले, डेस्कटॉप पे खोले, लैपटॉप पे खोले, तो वो सब पे काम कर सकता है। ठीक है, ऑफिस 365 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी तरह के लोग किसी भी डिवाइस पे काम करना चाहें, वो जो है ना वो काम कर सकते हैं, अगर आपने अलॉट करा वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफिस 365 की ये चीज़ को समझें कि ऑफिस 365 के ऐप्स को, चाहे आप एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन्स वगैरह आपके पास हो, चाहे आपके पास विंडोज़ फ़ोन हो, आप उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पर एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल, पर एप्लीकेशन से मुराद क्या कि आप यहाँ पे जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं इस वक्त जो है ना यामर पे काम कर रहा हूँ, मैं वर्ड पे ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअली आप जा सकते हैं। जैसे कॉमनली यूज़र जो है यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड हैं, तो एंड्रॉयड यूज़र जो है वो क्या करेगा, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन टाइप करेगा और उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो ऑनलाइन जो है ना वो काम कर सकता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास जो है ऑफिस 65 पे अगर आप आते हैं, तो ऑफिस 65 को आप ख़रीदते कैसे? बेसिकली आप आते हैं कि ऑफिस 65 है क्या, ये तो अफादियत है कि आप ये काम करेंगे, उसके फीचर्स पर काम करेंगे। ऑफिस 65 एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। क्या है? एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि आपको बाई करना होता है। ऑफिस 65 के मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। इसके लिए आप अगर जाएँ वेबसाइट के ऊपर, ऑफिस 65 प्लान्स, मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोली है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये नज़र आ रहे हैं E1, इंटरप्राइजेस 1, इंटरप्राइजेस 3, इंटरप्राइजेस 5। हम अपनी जो वर्कशॉप के अंदर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो है E5। क्या है हमारे पास? E5 इंटरप्राइजेस 5 वर्जन जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ले रहे इंटरप्राइजेस वर्जन नंबर 5। ठीक है, अब आपके पास इंटरप्राइजेस नहीं है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करें तो आपके पास ऑफिस 65 मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट, एजुकेशन, स्मॉल बिजनेस, नॉन प्रॉफिट। तो माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन बहुत काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा डोमेन माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन के अंदर है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे एजुकेशन सीरीज आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छी फैसिलिटीज करी है कि A1 जो एजुकेशन सीरीज है फ्री है। हाँ, A1 फ्री है। लेकिन थिंग इज दैट के अगर आप यहाँ पे जाएं तो ऑफिस 65 आपने तो सबसे पहले देखा सब्सक्रिप्शन प्लान है। क्या है? सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि आप ईयरली और मंथली के बिहाफ पे लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा फीचर एजुकेशन सीरीज के अंदर A5 के ऊपर है। किसके ऊपर है? A5 पे। तो A5 आपको बता रहे हैं कि अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं तो $8 है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कितने? $6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको सालाना पे करेंगे तो फिर आप 8 × 12 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप 6 × 12 कर लेंगे, तो आपको साल भर की फ़ीस देना पड़ेगी। लेकिन आप साल भर के देने की फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, आप मंथली भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम इस पे नहीं है, आपका काम किसी और वजन पे करना है, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं बाद में। अगर आपका साल भर का प्लान लेना है तो आप ये देख लेंगे आपकी सर्विसेज कौन सी। इसके लिए आप बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जितने भी प्लान्स हैं माइक्रोसॉफ्ट तमाम जितने भी प्लान्स हैं उनके ऊपर आपको ट्रायल वर्जन देता है। ट्रायल वर्जन 3 मंथ का ट्रायल वर्जन देता है, 1 महीने तक पूरा काम करेगा, 2nd महीने तक और 3rd महीने तक जाके सर्विसेज जो है ना वो कम होती चले जाएंगी। मतलब 1 मंथ तक आप पूरी सर्विसेज को अवेल जो है ना कर सकते हैं। ऑफिस 65 बेसिकली अगर आप और डीप वेब डाइविंग करें तो सब्सक्रिप्शन प्लान तो समझ लिया आपने, आपको खरीदना पड़ता है, एक सर्विस है। क्या बेसिकली ऑफिस 65 जो है? ऑफिस एप्लीकेशन प्लस सर्विसेज। क्या है? ऑफिस एप्लीकेशन प्लस सर्विसेज। ऑफिस एप्लीकेशन जो कि आप डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सर्विसेज आ रही हैं। ये जो सर्विसेज आ रही हैं आपके पास, ये इसमें काम है, इसके अंदर काम है। क्लियर है? जैसे आपके पास अगर आपने A5 लिया हुआ है, हम दोबारा से इंटरप्राइज सोल्यूशन में आ जाते हैं।
ठीक है, अगर आपको इस साइट पे जाना हो तो बहुत आसान है कि आप गूगल पे लिखें ऑफिस 65 प्लान्स। ठीक है, मैंने लिखा ऑफिस 65 प्लान्स और आप जाके, वैसे आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास साइट भी आ रही है। ठीक है, तो बहुत आसान है कि आप लिंक पे जाके, वेबसाइट पे जाके क्लिक करके आप साइट को देख लीजिए। ठीक है, ऑफिस के बहुत सारे वर्जन यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एंटरप्राइजेस में मैं आ जाता हूँ, ऑफिस, बिजनेस, होम, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट, मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, हम जो है ना E5 इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? E5। तो E5 में अगर आप चले हैं तो आप, अगर कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी है कोई, या कोई कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये चूज़ करेगी कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्लान को परचेज़ करूँगा। ठीक है, तो वो ये देखेगा इसमें सर्विसेज क्या मिलनी है। ठीक है, सर्विसेज को देख के फिर वो फैसला करता है कि उसको करना क्या है। ठीक है, सर्विसेज को देख के वो फाइनलाइज करता है कि मुझे करना क्या है। जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पास, क्लियर है? और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें मोर डिटेल, तो ये यहाँ पे ऐप से नहीं पता चल रहा आपको, आपसे उसको स्क्रॉल करें नीचे, तो ये आपको डीप डाइव करते हुए बताएगा कि भाई ये सारे फीचर्स में अवेलेबल हैं। क्लियर है? स्क्रॉल करें, इनको पढ़ सकते हैं। इसका बकायदा पेपर भी होता है, 3 MCSA भी होता है, और ऑफिस 65 का माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन एसोसिएट MCSA 346/347। ठीक है, जो कि रिटायर्ड हो गई, अब उसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट 65 नए पेपर्स आ गए हमारे पास जो है, तो उसके अंदर जो है ना उसकी सर्विसेज के ऊपर बात की जाती है, इसके राइट्स कैसे खोलते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, सिक्योरिटी क्या होती हैं, DNS क्या होते हैं, सब चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आप जो काम करें वो प्रोडक्टिविटी पे काम करें कि आपको उन वो ऐप्स इस्तेमाल करनी जिससे आप कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकें और बना सकें। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली आप यूज़र एंड की ट्रेनिंग जो है ना साइट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कंपनी में बात करते हैं, कंपनी में पढ़ना है, तो आपके पास जो होते हैं वो देखना पड़ता है कि आपको प्लान कौन सा लेना है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर एजुकेशन के अंदर हैं तो आप ए की कैटेगरी को देखें, A1, A3, A5, और अगर आप इंटरप्राइज बिजनेस के ऊपर हैं तो आप E-सीरीज को देख रहे होते हैं, बिजनेस प्रीमियर को आप देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक कि टॉपिक में कोई किसी किस्म की मसले, क्लियर है? हमारे पास था तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले व्हाट इज 65, ऑफिस 65 होता क्या है। ठीक है, ठीक है, यू कैन राइट इट के पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज ऑफिस 65। ऑफिस 65 को हमने समराइज करा बहुत आसान कि ऑफिस 65 इज़ अ सब्सक्रिप्शन प्लान विच यू कैन बाय ऑन मंथली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस, या आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप मंथली पे कर लें या ईयरली पे कर लें। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी कि ऑफिस 65 को जब हम प्लान्स अब ले परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कंपनी की ज़रूरत क्या है। तो हमने कॉमनली दो कैटेगरीज को देखा कि ए कैटेगरी को एजुकेशन सीरीज़ की, और इंटरप्राइजेस की कैटेगरी को ई की सीरीज़ को। फिर हमने देखा कि ऑफिस 65 जो कलेक्शन है ऑफिस एप्लीकेशंस का और सर्विसेज का, क्लियर है? उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ भी करी, ऑफिस 65 में हमने एक लाइन इस्तेमाल करी, वर्क फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप इसको डाउनलोड जो है ना कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल एट अ टाइम भी जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। क्योंकि देखें, दो चीज़ें बड़ी इस्तेमाल होती हैं आजकल के दौर के अंदर, कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन। कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्काइप पे भी ऑनलाइन हूँ, ठीक है, मैं लाइव पे हूँ, मैं इस वक्त बैठा हुआ वर्कशॉप के अंदर भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मुख्तलिफ लोगों से मैं कनेक्ट हूँ, तो दिस इज़ कम्युनिकेशन पावर, कि मैं एक ही जगह पे बैठ के तमाम लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। क्लियर? सेकेंडली, कोलेब्रेशन का बड़ा दौर है कि मैं एट अ टाइम कोलेब्रेशन के जो टीम वर्क, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट मैंने वर्ड का बनाया है और उस वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहा हूँ, तो ये कोलेब्रेशन है, वो भले किसी भी जगह पे बैठे हुए, ये कोलेब्रेशन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर आप ऑन जैसे कहते हैं ना 21st सेंचुरी में आप कदम रखा हुआ है और आगे बढ़ते चले आ रही है और इसके अंदर नई नई चीज़ें आते जा रही हैं, तो ये दोनों में आपको महारत होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर आप कोई से भी करते ना, लेकिन आपको कम्युनिकेशन कोलेब्रेशन की चीज़ें आपके आने। और अलहमदिल्ला पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इस पर बहुत काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑल ओवर बहुत काम करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे आप जाएँ देखें, आपको बिल्कुल नहीं पता था, आपको बिल्कुल ऑफिस का भी नहीं पता था, लेकिन आप ऑफिस भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑल्सो मॉस सर्टिफिकेशन एंड यू ऑल्सो डूइंग माइक्रो ऑफिस 65। ठीक है, तो ये आपको एकदम से नई चीज़ें पता चल रही हैं।
इसके अलावा आपके पास जो है ऑफिस 365 प्लेन्स को डिस्कस करने के बाद हम जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस का डैशबोर्ड। ठीक है, तो जब हम डैशबोर्ड पे आए थे तो डैशबोर्ड पे आने के बाद हमारे पास आपने देखा कि सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारा लॉगिन नेम आ रहा है। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आप में से नए यूज़र्स बैठे हुए हैं तो वो अपने पास लिख लेते हैं आईडी, जैसे आईडीज बना के आपको सबमिट कर दिए गए वर्कशॉप से पहले आप सबको हमने आईडी बना के दे दी थी, लेकिन हम देखेंगे आईडी बनती कैसे, यूज़र्स कैसे बनते हैं। तो ये आपकी आईडी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ये ऐप्स आ रही हैं, ये वो ऐप्स हैं जो आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐप्स चाहिए होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन मेन्यू में आते हैं और यहाँ से आप ऐप्स चूज़ कर लें। अगर आपको ऐप्स नज़र ना आए तो ऑल ऐप्स कर लें। क्लियर है? ऑल ऐप्स के मतलब ये कि इसके अंदर और ऐप्स नज़र आ रही हैं, तमाम ऐप्स जो कि अवेलेबल हैं इसके अंदर, किसी प्लान में कम होंगी किसी में ज़्यादा। वही वाली बात कि अगर E1 वर्जन है E3 है तो एप्लीकेशन कम होंगी, ये E5 है तो एप्लीकेशन ज़्यादा है। ठीक है, बट डू रिमेंबर यू आर यूजिंग अ ट्रायल वर्जन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है ऑफिस डैशबोर्ड के बाद अब आ जाते हैं आपके पास के ऑफिस 365 प्रो। जब आप ऑफिस खरीदते हैं, ऑफिस की सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय E5, आपने E5 लिया तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप ऑफिस 65 को इंस्टॉल करें। ठीक है, जैसे कि क्या मतलब, मैं ऑफिस 65 को ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं डेस्कटॉप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा वर्ड के ऊपर, ठीक है, तो ये वर्ड ऑनलाइन है, दिस इज वर्ड ऑनलाइन। ऑफिस ऑनलाइन जो होता है उसके अंदर लेस फीचर्स हैं। अब मैं जब अपने पास डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ऐप्स में डायरेक्ट जैसे आपने मोबाइल में भी करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस फीचर्स होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड खोलता हूँ और आप देखिएगा जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑफिस 65 प्रो प्लस खुल के आ रहा है। तो ऑफिस 65 प्रो प्लस जो है ना वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप नहीं मिलता, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप मैंने ऑफिस 65 खोला तो उसके अंदर कुछ नए फीचर्स हैं, उनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे नए फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर है? मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ ऑफिस 65 पे। अब ये आ रहा है कि आप जो है इसको ऑफिस 65 को अपने कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप वर्जन लेटेस्ट इस्तेमाल करें 2019 का। ठीक है, जब आप ऑफिस 65 का जो नया वर्जन इंस्टॉल करते हैं, ऑफिस 65 प्रो पर इंस्टॉल करते हैं और सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, तो जो जो नई चीज़ें आती रहती हैं वो अपडेट होती रहती हैं आपके पास, अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ। लेकिन आप एज ऑफिस 65 प्रो प्लस को ट्रायल भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं एक महीने के लिए। कैसे, कि आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल ऑफिस आ रहा है, क्या आ रहा है, इंस्टॉल ऑफिस का बटन, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑफिस के ऊपर और आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑफिस 65 एप्स। अच्छा, हम आईटी प्रो की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं, लेकिन हम ऑफिस 65 की प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम इसके अंदर शॉर्ट करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप सब चीज़ें सीख जाएं। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो आफ्टर द वर्कशॉप या आपके पास पोल सेशंस होगा उसके अंदर आप जो भी सवाल प्लेस करना चाहेंगे उनके सबके जवाब आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू वीडियोस ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट, तो आपको जो भी ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए ऑफिस 65 के बारे में वो आप ले सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा ऑफिस 65 के मैं ऐप्स पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप ऑफिस 65 के ऊपर क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये एक सेटअप खुलता है क्लिक टू रन का। माइक्रोसॉफ्ट क्लिक टू रन क्या है कि आप एक सेटअप की फाइल डाउनलोड होगी, आप इसको सेव कर लें। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे और इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे तो आपका ऑफिस 65 इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ऑफिस 65 इंस्टॉल होने के लिए ऑब्वियसली नेट होना चाहिए, क्योंकि ये इससे कनेक्ट होगा ऑफिस 65 से, और ऑफिस 65 को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। यू मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन ताकि आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट हों, ऑनलाइन हो। जब ऑनलाइन होंगे तो आप इन सब का काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको डाउनलोड कर लेना है
आप जब डाउनलोड कर लेंगे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले सेशन के अंदर इसको दिखाया भी था कि आप क्लिक कर लेंगे फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अलग से हम क्लास के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, सेटअप चला देंगे। इसका सेटअप ऐसे ही इसका नॉर्मल सेटअप चला लेना, ठीक है। एक नॉर्मल सेटअप जो आप चला लेते हैं ये वही वाला सेटअप है। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास ये फाइल आ जाएगी सिंपल सी। और आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो दिस वन ये फाइल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटअप चलना स्टार्ट हो जाएगा सिंपल सा। कुछ भी नहीं है, एक फाइल वहाँ से डाउनलोड होगी और उस पर क्लिक करना है और सेटअप चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब सेटअप चल के इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप जब ऑफिस 365 प्रो प्लस डू रिमेंबर आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑफिस 65 प्रो प्लस। ऑफिस 65 प्रो प्लस जब इंस्टॉल कर लेंगे तो चाहे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो ना हो, ऑफिस 65 को एज अ डेस्कटॉप के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि देखें यहाँ, क्योंकि आपने कहा है कि डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो, सेटअप की इंस्टॉलेशन करते वक्त को कनेक्ट होगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल खोलता हूँ तो आप देखिएगा मैंने एक्सेल खोला तो एक्सेल ऑफिस 65 लिखा हुआ आ रहा है। ये क्योंकि मैंने वो फाइल इंस्टॉल कर ली थी, डाउनलोड करी और डाउनलोड ये जब इंस्टॉल हो जाएगा होने के बाद आपको नेट की जरूरत नहीं है। आप इसको जैसे हम नेट के बगैर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पहले भी करके दिखाया था, जैसे आप मॉस की ट्रेनिंग के अंदर इसको कर रहे हैं तो आप बगैर इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर है। आप इसको काम करें, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, क्लियर है। तो ये था हमारे पास कि इसका चौथा जो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो ऑफिस 65, सेकेंड पॉइंट तो ऑफिस 65 प्लान्स, थर्ड टाइम हमारे पास ऑफिस डैशबोर्ड, हमने ऑफिस के डैशबोर्ड को देखा, बेस की था हमने ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना है ऑफिस 65 प्रो प्लस को। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना आप ऑफिस एडमिन सेंटर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 65 के अंदर जब आप ऑलिस पे जाते हैं ऑफिस के अंदर तो यहाँ पे आ रहे हैं एडमिन सेंटर्स, क्या आ रहे हैं एडमिन सेंटर। अच्छा, आप में से बेशतर यूज़र को एडमिन सेंटर नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपको राइट्स ये नहीं मिले हुए, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल क्रिएटिंग यूजर्स एंड कैसे यूजर्स बनते हैं वो हम देखेंगे, राइट्स क्या होते हैं। तो एडमिन सेंटर के अंदर आप आएँ तो ये सारी जो ऑफिस 65 के पीछे सर्विसेज होती हैं उनको इनेबल डिसेबल करना, सारे राइट्स देना, यूज़र्स बनाना, वो तमाम काम जो होता है वो यहाँ से होता है। यूज़र सेटिंग सेटअप कौन सा के पास है, उसके अलावा एज़ियो एक्टिविटी एक्सचेंज शेयर पॉइंट टीम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि MCSA ऑफिस 65 का जो पेपर होता था उसमें 346 के अंदर वो पूरा पेपर ही ऑलमोस्ट सर्विसेज के ऊपर था, सारी सर्विसेज को इनेबल करना, इंस्टॉलेशन करना, इनेबल डिसेबल कर लेना, उसको राइट दे देना ही करना। क्योंकि ऑफिस 65 तो मैंने परचेस करा है लेकिन अब मैं, आप यूज़र्स हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं मेरे, अब मैं एम्प्लॉय को एडमिन पैनल को ही दूंगा कि वो सारी सेटिंग चेंज करें, मैं इस्तेमाल करूंगा, आईटी प्रो इस्तेमाल करेगा। नॉर्मल बंदा जो है जिसका काम प्रोटरी का है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है, उसका काम वर्ड ऑनलाइन का है, उसका सॉफ्टवेयर का काम उसको प्रिंशन बनाना, उसको इससे मसला नहीं। क्योंकि अगर इसमें से इसने कुछ मसला चेंजिंग कर दी तो कुछ भी मसले हो सकते हैं, बहुत बड़े मसले हो सकते हैं, तो आईटी प्रो उसको सॉल्व कर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको एसेस देते ही नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज के आपका यहाँ पे रोल क्या है कंपनी के अंदर, क्योंकि रोल बेस काम होता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है नई जो आई हैं वो रोल बेस है कि आप एज़्योर पे काम करें तो एज़्योर बेसिक है तो एज़्योर बेसिक फंडामेंटल कर दिया, ठीक है। तो एज़्योर सिक्योरिटी पे काम करें तो उसकी अलग सर्टिफिकेशन है। अब पूरे पूरे आपको ट्रैक नहीं करना पड़ रहे हैं, आपका जो रोल कंपनी में उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन कर लें, क्लियर है। तो ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये दिस एंड आवर फर्स्ट सेशन के व्हाट वाज जो है ऑफिस 65, ऑफिस 65 क्या होता है, ऑफिस 65 के प्लान्स क्या होते हैं, ऑफिस का डैशबोर्ड क्या होता है, ऑफिस को आप इंस्टॉल कर प्रो प्लस को इंस्टॉल कैसे कर रहे होते हैं, और उसके अलावा ऑफिस एडमिन सेंटर का हमने थोड़ा सा व्यू किया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास एडमिन सेंटर का था, जिसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, दीज आर कार्ड्स,
ये मेन कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के ऊपर प्रोग्रेस भी बता रहा है, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे बता रहा है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो बिलिंग यहाँ पर आएगी, डोमेन को एक्टिवेट करवाना, ये तमाम चीज़ें इन। और एक और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एंड में करते बताना चलूँ कि ऑफिस 365 आपको एक और फीचर देते हैं ट्रेनिंग का। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपको बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग बेसिक लेवल नहीं, ये आपको फ्री मिल जाएंगी। हाँ, लाइसेंस तो नहीं फ्री मिलेगा, लाइसेंस तो हमने अभी आपसे डिस्कस किया आपको बाई करना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस 365 के हवाले से काफ़ी सारी ट्रेनिंग जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप जो है ना आपकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कंसाइज करना मुश्किल। दैट्स वाई यू आर हेयर कि भाई इतनी सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यहाँ अवेलेबल है कि हम उसको कैसे समराइज करें। तो आपने देखा कि बिल्कुल मसला ही नहीं, आपने मिनटों के अंदर जो है ना आपने देख लिया ऑफिस 365 क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने देख लिया, प्रो प्लस क्या होता है। अब आपको पता चल रहा है कि ऑनलाइन अलग है, डेस्कटॉप का अलग है, और ऑफिस 365 प्रो प्लस अलग है, और ऑफिस 2019 जो है ना वो एक अलग फीचर है।